आपके साथ है और हमें खुशी होती है आप जैसे महान आदमी के साथ में हूँ, आपसे कुछ सीखना सीखने को मिलता है, आप बहुत समझशील आदमी है। आप बिहार से किस जिले के हैं? मैं रोहतास जिले से आता हूँ बिहार। अच्छा, रोहतास जिले आप हैं, तो आपके बारे में सुना हूँ कि आप जैसे पहले नेता वीर करते थे, लालू जी के जमाने के नेता जी हैं, उन लोगों के साथ कुछ दिन पहले करते काम भी किए हैं। लालू जी एक समय था जो बिहार में लालू जी जैसे लोगों की मन भक्ति था, कांग्रेस का साम्राज्य था बहुत दिन से, और कांग्रेस में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया, तो लालू जी 89 में चुनाव हुआ, जिस 89 में चुनाव के बाद लालू जी मुख्यमंत्री बने, और लालू जी को हमारे और लालू जी गरीबों के मसीहा के रूप में बिहार में घूमे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लालू जी अपने कुछ खास लोगों में, रिश्तेदारों में और जाति में उनके मंडली में ऐसे उलट गए जो उनकी पार्टी के लोग अच्छे करियर वाले उनसे अलग, जैसे नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, सारे लोगों को जीत के और पिछड़ा मंडल और हरियर मंडल को मिला के उन्होंने मिला के उन्होंने बिहार में कब्जा किया, जिसको उन्होंने अपना जीत कहा, और वाकई में सारे लोग इनके जीत थे, तो इन पर 100% उम्मीद किए, लेकिन कुछ समय बाद लालू जी अपने वादे से अलग हो गए और इन्होंने सिर्फ कॉमेडी चालू कर दी और धीरे 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 साख हो गई और पब्लिक और उनके दल वाले लोगों ने बहुत विरोध किया, नीतीश जी अलग हो गए 1994 में, अपना समता पार्टी बना लिया, रामविलास पासवान जी भी उनसे अलग हो गए, बाद में उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली, तो ऐसी चर्चा हुई कि ये जेपी मॉडल का हुआ कि जेपी मॉडल जेपी आंदोलन में वो जेपी इंडस्ट्री का नाम रख रहा हम लोगों ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, और कहा कि उसमें तीन मॉडल कार निकले, एक लालू मॉडल, एक नीतीश मॉडल और एक रामविलास मॉडल, तो लालू मॉडल था फेल हो गई और फिर नीतीश जी ने दूसरे लोगों के साथ मिलके बिहार में संघर्ष चालू किया और मैं नीतीश जी के साथ हो गया। ये सब बात आपने यही से पता चल गई, आपका पब्लिसिटी जनता में किस प्रकार की रही उस समय नेतागिरी, मैंने जिस समय नेतागिरी आपकी थी, आप नेतागिरी किया करते थे उस समय आपकी पब्लिसिटी क्या थी? मैं तो कैप्टन को कमी नेता नहीं समझा, मैं तो अपने को एक कार्यकर्ता ही समझा। अरे आप गांव जवाहर में किस तरीके से फेमस है, वो हम नेतागिरी हम नेता है सब आप मेरी बात सुनो, पब्लिक के बीच मैं कैसा हूँ, तो पब्लिक जान रही है, ठीक है, लेकिन मैं सहमत हूँ, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता था नीतीश कुमार जी की पार्टी में, लालू जी की सरकार थी, तो लालू जी की सरकार होने के बाद भी उनकी जब दल में मीटिंग होती थी तो अपोजिशन पार्टी वाले में लोग कहते थे कि श्रीनाथ समता पार्टी का एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता है और अपने दल के प्रति रुचि रखता है, पब्लिक को उसकी खातिर मिली था, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, मीडिया वालों को बयान भी देता था, और जिला के सारे कार्यालयों में मेरी एक अपनी छाप थी और मैं भ्रष्टाचार का काफ़ी विरोधी था, इसलिए कि जो इंदिरा आवास का चुनाव होता था उसमें मैं गांव जाके माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और मैं उनके पार्टी का जिला मुख्यालय का अध्यक्ष था, बाद में मैं समता पार्टी युद्ध में राज्य का सचिव भी बना, तो मेरी छवि अच्छी थी, मेरी छवि खराब नहीं थी और मैं काफ़ी संघर्षशील रहा, लेकिन मुझे सीमर वगैरह नहीं मिले, टिकट नहीं मिला, टिकट के लिए बेशक मेरा नाम आया था 2000 के टिकट नहीं मिला,
तो जिसकी पब्लिसिटी अच्छी होती है वो तो निर्दलीय से भी चुनाव लड़ होता है और वो जीत जाता है, लोगों उसको दिमाग में एक बहुत आम मुद्दा है। क्या मुद्दा है? यह एक बहुत आम मुद्दा है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना। लेकिन जो लोगों के दिमाग में है कि ये अकेले क्या करेगा, एक आदमी चुनाव जीत के क्या करेगा। भारत में ये बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, उसमें से बहुत कम ही जीते हैं। और आज के चुनाव में सुनील साहब इसकी साफ सुथरी छवि है ना, वो एक दिन ऊपर आ ही जाता है, अभी और आ जाता है। देख लीजिए मोदी जी को देख लीजिए, सच्चे और ईमानदार थे तभी तो आज जनता के ऊपर आ गए। मोदी जी पार्टी से बिलोंग करते थे, योगी जी आप कैसे आ गए? मोदी जी और योगी जी पार्टी से बिलोंग करते थे, पार्टी का एक लंबा थेरिस थे उनके पीछे, कार्यकर्ताओं के बीच है, आरएसएस वालों का समर्थन है, तो इस तरह से पार्टी उनकी बनी हुई है, उनका एक मंच बना हुआ है। लेकिन जो भी निर्दलीय आदमी होता है उसका कोई मंच नहीं होता। ठीक है, हमारी कोई मंच नहीं, हमको लोग जानेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद जानेंगे भाई, हमारी छवि एक दिन लोगों के सामने आएगी, ऐसा नहीं की नहीं आएगी। संघर्ष करने वाले तो संघर्ष करना पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, तभी तो आता है सामने, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन लोगों के बीच ये है, आप हार क्यों गए, क्यों आप थक गए, क्यों बैठ गए, आप क्यों नहीं आगे बढ़े? मैं देखा कि पार्टियों में काफी भ्रष्टाचार है, मैं पार्टी में ही था, मैं पार्टी में ही था, पार्टियों में काफी भ्रष्टाचार है, कोई भी दल उससे छुटा नहीं है, भारत का कोई भी दल शायद उनसे छुटा नहीं है मेरी दृष्टि में। और पार्टी के नेता सिंबल नहीं देते, तो सिंबल नहीं देना तो बहुत आम बात होती है, सिंबल नहीं देंगे ना आप चुनाव लड़ोगे, दल विरोधी काम करोगे, दल से निकाले जाओगे। इसलिए मैंने दल छोड़ दिया और मैं सब कुछ रहते हुए, सारी चीजें करते हुए, लोगों के बीच रहते हुए भी, लोगों का प्यार रहते हुए भी, इसलिए कि चुनाव के समय पर लोग आता है कि आपको 10,000 वोट अगर हम लोग दे देंगे, 5,000 वोट दे देंगे तो आप वोट कटवा के चुनाव हो जाएंगे। और अब आपके बाद का जो हम लोग का आदमी है चाहता जिसको हम लोग वोट देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, वो भी चुनाव हार जाएगा, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अच्छा लोग ऐसे सारा देते हैं विधानमंडल के लोग भी यही बात करते हैं। लोग मेरे मित्र थे, करने वाले मेरे मित्र थे, जहाँ मित्र आए होते हैं, ये तो सरकारी व्यवस्था है, काम करना या उनकी सेवा करूंगा,
ढंग से करूँगा तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा और राजनीति से मुझे अरुचि पैदा हो गई। तो परिवार चलाने के लिए मैं सोचा कुछ करना चाहिए और मेरे सारे लोग सलाह देने लगे आप कुछ करिए, इसलिए कि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे, कोई खेती नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे तो आप गलत काम है। जहाँ से पैसे उठाने होगा जहाँ आप दलाली करेंगे, ये काम उससे होना नहीं था, इसलिए मैं उन सारे कामों के खिलाफ।